अब हम आ रहे हैं हैदराबाद। जो भाई हमारे मिलना चाह रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, जल्दी से भाई नीचे जाके कमेंट करें, हमें बताएं कि हम जो है वो कौन सी जगह पे जो है वो मीटअप रखे हैं। एक दफा जो है ना वो सारी पॉलीगेट उतर चुकी है, अब जो है वो गाड़ी को ये देखें, जब हमने गाड़ी ली थी आपको दिखाया था कितनी पॉलीगेट थी इस गाड़ी के अंदर। लेकिन तो आप लोग के भी जहन में भाई कोई भी चीज़ हो ना, ए टू जेड छोटी सी भी अगर कोई चीज़ हो तो आप लोग नीचे कमेंट करें, बताएं, बोलें कि भाई हसन भाई ये ऐसे नहीं करें, ये इसके अंदर रिम चेंज कर दें, ये इसके अंदर टायर चेंज कर दें, ये इसके अंदर बॉडी की चेंज कर लें। तो जो भी चीज़ हो ना वो नीचे आके कमेंट में जो है वो आप लोग ज़रूर लिखें। अब इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कितनी देर में होता है। इस गाड़ी की अच्छी है, छोटी गाड़ी है, काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। अब ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी सारे लोगों को इंतजार था कि भाई हसन भाई स्टारलेट कहाँ पहुँची, रमज़ान पूरा गुजर गया लेकिन आप तो जो है वो स्टारलेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं, गाड़ी कहाँ पहुँची, क्या क्या काम हो गया उसके अंदर। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़े से हम भी बिजी हो गए थे, बाकी के रमज़ान में आप लोगों को पता है कि शेड्यूल थोड़ा टाइट हो जाता है। तो रमज़ान के बाद फाइनली अभी जो है वो काम दोबारा से हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टारलेट देखने के भाई उसका क्या क्या काम किया। उसके दो तीन काम थे जो कि हमने जो मैकेनिक हैं जिनसे हम ये गाड़ी बनवा रहे हैं, सारा पेंट वेंट का काम करवा रहे हैं, उन्हीं को बता दिए थे, जिसके अंदर बम्पर्स गाड़ी के जो है वो नए आने थे तो वो ऑर्डर कर दिए हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, क्या पता वो चीज़ें जो है वो आ गई हों। दूसरा ये है कि भाई हमारी जो हमारी एफएक्स है, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई एफएक्स का हसन भाई क्या हुआ, इसका इंजन आप लोगों ने बनवाया था, इसकी क्या पोजीशन है, क्या सीन है। तो मैंने बोला यार चलो यार आज जो है ना वो इसका भी आप लोगों को जो है वो बताना है, इसकी भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी हम इसको लेके जा रहे हैं, इस पर दो तीन चीज़ें आई हैं, मसले आए हैं इंजन बनवाने के बाद, तो इसकी तो एक खैर प्रॉपर एक एपिसोड भी आएगी जिसके अंदर हम पूरा हैदराबाद का एक टूर भी करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो जो है ना वो आने वाले वक्त में होगी, लेकिन अभी जो छोटे मोटे काम है ना इसके अंदर वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखें गाड़ी बनाना आसान है, उसको रखना, उसको संभालना, बीच में बारिशें भी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलिए जी अभी हाल फिलहाल जो है वो हम लोग चलते हैं यहाँ से अपनी एफएक्स लेके, और इसका एक छोटा सा रेडिएटर का काम है वो करवाते हैं, और फिर जो है वो स्टारलेट की तरफ चलेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई स्टारलेट की क्या पोजीशन है अभी। तो ये आप लोग चेक करने हैं भाइयों, अभी इतना टाइम गुजर गया है, तकरीबन काफ़ी दिन से ये गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन अभी आप लोग चेक कर रहे हैं, बस क्लिक दिया है हमने इसको सेल्फ पे एक छोटा सा, और गाड़ी माशाल्लाह से स्टार्ट है। तो इंजन का एक इसका बहुत एक जो चीज़ है वो हमने आप लोग के साथ शेयर नहीं की इंजन बनवाने के बाद, वो इंशाल्लाह ताला जब इसका प्रॉपर आएगा ना एक जो हमारा पार्ट रहता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जो है वो मिलने वाली हैं। तो बस अभी चलते हैं अपनी इस राइड को शुरू करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं स्टारलेट के पास। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैकेनिक के पास और यहां से हमें जाना है। हाँ तो जी दोस्तों, यहां से हमारा काम फिनिश हो गया है, अभी जो है वो साथ से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि भाई अभी हाल फिलहाल जो है वो आप इसको चलाओ, बहुत बारीक जो है वो इसके अंदर यानी कि एक बिल्कुल हल्की सी नमी होती है ना वो है, कोई प्रेशर से जो है वो लीक वगैरह नहीं हो रहा। बाकी एक इसमें एक और काम छोटा सा था वो था जम्स का, उसका भी कल ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस अब हम लोग यहाँ से जो है वो निकलेंगे स्टारलेट की तरफ और अब देखते हैं भाई स्टारलेट की क्या हाल चाल है अभी। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी स्टारलेट के पास। अब स्टारलेट कहाँ है, पहले हम इस गाड़ी को करेंगे पार्क एंड देन आप लोगों को जो है वो दिखाते हैं भाई। यहाँ दो दो स्टारलेटें बन रही हैं, एक का तो खैर प्रोजेक्ट वो बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन एक जो गाड़ी अभी हमारी तैयार हो रही है उसको देखते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी है। चलिए जी इसको यहीं पर ही हम लोग पार्क कर देते हैं। तो ये हम लोग फाइनली भाई पहुँच चुके हैं अपनी स्टारलेट की तरफ, और इस स्टारलेट के साथ साथ ये चेक करो भाई यहाँ पर एक और जो है वो एफएक्स जो है वो तैयार हो रही है, ये देखें ये फुल भाई। लेकिन अपनी गाड़ी की जो बात है भाई वो तो आप लोगों को पता है कि भाई वो तो अलग ही है। तो चलें जी अब हम लोग जो है वो स्टारलेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई उसका क्या सीन बना, कितना काम हुआ है, कहाँ तक पहुँची है, उसकी कुछ चीज़ें थी वो आई नहीं आई, वो आप लोग चल के दिखाते हैं। सो चलिए जी फाइनली गाड़ी आप लोग को जो है वो दिखा दूँ, थोड़ा पहले मैंने खुद विजिट कर लिया है, चीज़ें जो है वो देख ली है कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसके अंदर, ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल में जो है बता सकूँ। देखें सबसे पहली दफ़ा जब आप लोगों ने ये गाड़ी देखी थी तो उसकी जो एक साइड थी यानी कि सिर्फ एक ये वाली जो साइड थी सिर्फ ये घिसी हुई थी, लेकिन रमज़ानों में जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि भाई हम थोड़ा सा डिले कर गए थे, थोड़ा सा जो है वो काम मैकेनिक की तरफ से रुका था, लेकिन मैकेनिक तो खैर फिर भी अपना काम जो है वो कर रहे थे तो उन्होंने अच्छा खासा काम निपटा दिया। अच्छा इसमें एक दफ़ा जो है ना वो सारी पॉलीगेट उतर चुकी है, अब जो है वो गाड़ी को ये देखें
जब हमने गाड़ी ली थी आपको दिखाया था कितनी पॉलीगेट थी इस गाड़ी के अंदर, लेकिन अब जो है वो टीन पे आ रही है, लेकिन अभी भी ये हमारे मतलब की नहीं हुई है। इसके अंदर अभी भी हमने जो है वो मजीद घिसाई करवानी है इसको, ऐसे नहीं छोड़ना, हमने बिल्कुल टीन के ऊपर जो है वो लाना है। तो अभी एक और दफ़ा जो छोटे छोटे मोटे इसके पॉइंट हैं वो होंगे, फिल होंगे, फिर उसके बाद एक और दफ़ा घिसाई होगी एंड देन ये बिल्कुल टीन के ऊपर जो है वो आ जाएगी। अच्छा, लुक जो है वो गाड़ी का अभी ये है, मैं आप लोगों को फ्रंट से दिखा दूँगी, चेक कर लें भाई, ये भी सूरत हाल है गाड़ी की, ठीक है जी। ये एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरी गाड़ी अभी इसी तरीके से हुई पे, कुछ काम इसके अंदर जो है वो रहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अगर छत की पट्टियों की, तो ये वाला काम अभी इन्होंने नहीं छेड़ा है, ये काम इसके अंदर होना है, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा चलते हैं उस वाली साइड से, मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ बैक साइड, आप लोग पहले एक नज़र जो है वो देख लो, ये चेक कर लो आप लोग। तो ये भी पूरा जो है इन्होंने साफ़ सुथरा करके, देखें हम अंदर से भी करवा रहे हैं, वरना ये होता है ना कि लोग छोड़ देते हैं, हम पूरी रिफर्निश कर रहे हैं, इसके अंदर एक रुपए का कोई काम नहीं छोड़ेंगे। और जब इंशाल्लाह ताला तैयार होगी, जिस तरीके से आप लोगों ने एफेक्ट देखी थी हमारी, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी यही है कि इसको भी जो है वो हम एक एक ईच एंड एवरी थिंग चीज़ देखें, कोई इसमें हम पैसों का आसरा नहीं करेंगे कि भाई हम कोई पैसों की नहीं ये चीज़ छोड़ दें या वो चीज़ छोड़ दें, हर काम जो है वो इसके अंदर करवाएंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे। अब अंदर की बात कर लेते हैं, छत की पट्टियाँ मैंने आपको बता दी हैं, अभी दोनों तरफ की छत की पट्टियाँ जो है वो बनेंगी, प्रॉपर बनेंगी, वो जुगाड़ वाला काम नहीं होगा कि रबड़ चिपका दी नीचे जो है वो एलपी या कुछ चीज़ घुसा दी, वो पैसे बचाने वाला कोई काम नहीं है। दरवाजे अंदर से देखने हैं, दरवाजे जो है वो इसके फर्स्ट टाइम खुले हैं, यानी कि इसकी ये जो पट्टियाँ हैं ना, ये वाली जो शीट होती है अंदर वाली, ये वाली उतरी थी अभी हमारे सामने ही, इसकी पूरी सर्विसिंग होगी, अभी सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा प्लस, हम इसमें ये नहीं करेंगे कि शीट उतरी है तो वही वापसी चिपका दें, ऐसा नहीं होने वाला, इसके अंदर हम करवाएंगे प्रॉपर डैम्पिंग शीट्स जो आती हैं, आपने देखा होगा क्रोमिक जो शीट्स होती हैं अंदर पूरी लगती हैं फॉर्म वाली, वो इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल होंगी। बाकी अंदर का इंटीरियर आप लोग देख लें, इंटीरियर उसी तरीके से, अभी इंटीरियर में इसमें कोई भी काम नहीं छिड़ा है, सिर्फ इसकी जो सीट्स वगैरह हैं वो सब बाहर आ गई हैं। बाकी नीचे का चादर वादर बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ कोई रस्ट नहीं है, देखें अभी डस्टी हो रहा है, कचरा हो रहा है, ये सब सफाई होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके अंदर रस्ट वगैरह आप लोग को जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी। इसी तरीके से नीचे वाली जो साइड है ना, नीचे का जो फर्श है कारपेट के यहाँ का, ये देखें आप इससे अंदाज़ा लगाएं छोटी सी जगह से कि नीचे का जो फर्श है ये भी पूरा जो है वो साफ़ सुथरा है, बाकी मजीद जो है वो डिटेलिंग में आ जाएगा। उसके अलावा प्लस जो है वो नीचे की, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमने एफएक्स के अंदर डैम्पिंग शीट्स होती हैं इसकी नीचे की, रबर की इतनी मोटी एक थिक लेयर होती है जो कि इसके अंदर जो है वो बनती है, तो वो भी इसके अंदर प्रॉपर बनवाएंगे पहले हम लोग, ठीक है जी। फिर अंडर कोडिंग, नीचे का सारा सामान, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो अभी होनी है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की डिटेलिंग हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी। अब चलते हैं भाई इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम भी आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा दूँ, क्योंकि देखें हम तो सिर्फ इसका ही अभी रिव्यू कर रहे हैं, और साथ में कुछ एफएक्स के काम थे वो भी निपटा लिए थे, आप लोगों को दिखा दिया था कि उसमें भी अभी आने वाला है उसका एक पार्ट, तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एफएक्स का भी आगे का पार्ट नज़र आ जाए। अब आ गए भाई ये इंजन रूम की तरफ, तो ये आप लोग देख लो अभी ये हाल चाल है, ठीक है जी। ये वाली जो पीछे की पट्टी है देखें, ये वाली ये हमने सोचा है कि यार इसको हम थोड़ा बनवाएंगे, क्योंकि देखें ये वाली जो साइड है ना है ठीक है, चला सकते हैं, लेकिन ये कि फिर भी हम ये पूरा हिस्सा ये जो गल रहा है ना जितना भी, इसको सीधा करवा के प्रॉपर करवा लेंगे, कुप्पे वगैरह प्रॉपर हैं, सीलों में हैं सारी चीज़ें। ये इसकी अपनी इंजन की कुछ डिटेलिंग होगी, जैसे इसका टॉप कवर हो गया, इसका जो ऊपर का एयर फिल्टर हो गया, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी ना इंशाल्लाह ताला इसकी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में लाने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप लोग बैटरी का लॉक वगैरह हो गया, ये साइड के फ्यूज़ बॉक्स हो गए, तो ये प्रॉपर जैसा आपने देखा होगा ना बाहर जापानीज लोग एक पूरा डिटेलिंग में बनाते हैं, इंजन रूम अच्छा सा नज़र आ रहा होता है, वायरिंग वगैरह पूरी सेपरेट होती है, तो वही सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर भी जो है वो नज़र आएंगी। बाकी बहुत सारे लोगों का यही आया था हमें, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था कि भाई किस तरीके से बनाए, तो बहुत सारे लोगों ने भाई हमें हिंट दी कि भाई इसके अंदर जो है वो 3 इंच की जो है वो डाउन पाइपिंग करें और इंजन में ये मॉडिफिकेशन कर लें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों ने अलग अलग जो है हमें बताई, बॉडी किट के बारे में किसी ने जो है वो बोला, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सबकी चीज़ें देखते ही हम लोग ये गाड़ी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर खाली अकेला मैं खुद तैयार करूँगा तो जाहिर सी बात है वो मेरी चीज़ होगी, लेकिन हम तैयारी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब तैयार होगी तो जिन जिन भाइयों ने गाड़ी के लिए कमेंट किया है, बताया है, हमें सजेस्ट किया है, तो उन लोगों के नाम भी मैं मेंशन करूंगा कि भाई ये चीज़ इन भाई ने जो है हमें बताई थी कि भाई असन भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। तो आप लोगों के भी जहन में भाई कोई भी चीज़ हो ना A to Z छोटी सी भी अगर कोई चीज़ हो तो आप लोग नीचे कमेंट करें, बताएं, बोलें कि भाई असन भाई ये ऐसे नहीं करें, ये इसके अंदर रिम चेंज कर दें, ये इसके अंदर टायर चेंज कर दें, ये इसके अंदर बॉडी की चेंज कर लें, तो जो भी चीज़ हो ना वो नीचे आके कमेंट में जो है वो आप लोग ज़रूर लिखें। बाकी सिचुएशन यही है, अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो आप लोगों को मजीद चीज़ें जो है वो इसकी मालूम होने वाली हैं। और दूसरा ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि भाई इसके जो बम्पर्स हैं अगले पिछले वो हमने ऑर्डर किए थे, लेकिन अभी जो है वो हमें खबर मिली है कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं,
लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नई चीजें इसके अंदर डलवाएं। 40,000 रुपए जो है वो कॉस्टिंग आ रही है उसकी, यानी कि दोनों बम्पर आ रहे हैं 40,000 रुपए के, तो खैर काफी महंगे हैं, लेकिन देखते हैं इसका कोई हल निकालते हैं। जैसे अगले पार्ट में हम लोग आएंगे तो इसका कुछ सामान जो मंगाया हुआ है वो भी आ जाएगा, तो वो भी आप लोग को जो है वो दिखाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे जो हमारे भाई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिनको चीज़ों के बारे में नहीं है मालूम, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई कौन कौन सा काम कितने में होता है। और जिन भाई उन्हें एफएक्स तैयार करनी है तो भाई उसके लिए तो पहले से ही वीडियो मौजूद है, वो आप देख लो, उसकी पूरी एक एक चीज़ जो कॉस्टिंग होती है वो हर चीज़ हमने आप लोग के साथ जो है वो शेयर की है। तो भाई एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं IH, और आप लोग को पता है कि भाई IH जो वाले जो हमारे मौलाना साहब हैं हम उनसे सारा जो है वो इस गाड़ी का काम करवाते हैं। तो अभी जो है वो हम लोगों को एक थोड़ा सा एक महसूस ये हो रहा था कि यार इसके जंप जो है ना वो थोड़े से हमें मज़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो नॉर्मल बंदा ये गाड़ी चलाएगा ना उसको इतना आइडिया भी नहीं होगा कि भाई इसके अंदर कोई जंप का मसला है। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है जब हमने गाड़ी पूरी जो है वो बनाई है, एक एक चीज़ करी है, तो हम इसको भी जो है वो प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये कि मैं एक छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ कि भाई ये दोबारा से आ गए हैं और दोबारा से इंशाल्लाह ताला इसके जो जंप्स वगैरह हैं वो हमारे जो है भाई अभी गाड़ी चला के चेक करेंगे। वैसे नॉर्मली इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कि फिर भी एक जब हम हैदराबाद जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो हैदराबाद में आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि भाई हमने गाड़ी किस तरीके बनाई, तो तैयार हो जाए हैदराबाद वाले जितने भी हैं, बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं, एक मीटअप होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये हमारे सलाहुद्दीन भाई जो है वो गाड़ी में सवार हो चुके हैं, फिर ट्रायल लेके आएंगे आगे से घुमा के। चलिए जी फाइनली भाई टेस्ट ड्राइव होके जो है वो वापसी आ चुके हैं हमारे सलाहुद्दीन भाई, अब जो है वो इसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या है सिचुएशन इसका, क्या काम होगा। कमानियों का सिर्फ मसला है, कमानियों का कमानियां सीधी होंगी, शॉकर हमने जैसे थे वो प्रॉपर है, कोई मसला नहीं है, शॉकर के सही है, कमानियां थोड़ी सी गाड़ी डाउन होगी ना तो वर्किंग आ जाएगी, गाड़ी उठी भी ज्यादा इस वजह से वर्किंग नहीं आ रही। चले ज्यादा कर ला। तो भाई हमें सलाहुद्दीन भाई ने बता दिया, हम तो नए डलवाने के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई नहीं एसएल भाई जो है वो चेंज नहीं होंगे, आप जो है वो इसके अंदर काम करवा दें थोड़ा सा तो ये सेट हो जाएगी, यानी कि आप थोड़ी सी कमानियाँ इसकी सीधी करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली लचक थोड़ी आ जाएगी गाड़ी के अंदर। तो चले आप कमानी वाले भाई के पास भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं वो क्या बोलते हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने कमानी वाले भाई के पास, और यहाँ पर जन्नत ऑटो से काफ़ी मशहूर उन भाई के पास जो है वो हम लोग आए हैं। अभी इसका जो है वो यही वाला मसला है हमारा कि हमें पीछे से गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड जो है वो महसूस हो रही है, तो चलें खैर अब यहाँ आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से अभी हम मालूम करते हैं तो इन शाला बताते हैं फिर आप लोगों को क्या सीन है, क्या सूरत हाल है। पहले तो फैसला यही हुआ है कि भाई जब ज़्यादा बंदे बैठेंगे तो कमानी वर्क करेगी, अभी जो है दो बंदों में वर्क नहीं कर रही थी, हार्ड हो रही थी गाड़ी, तो अभी दोबारा से यहाँ पर जो है वो गाड़ी लगाते हैं, अब ये भाई काम करेंगे इसको सीधा करेंगे और फिर हम यहाँ से जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए जी अब इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं कितनी देर में होता है। वैसे तो नॉर्मली क्या पता भाई जल्दी करते हैं, बस यही एक छोटा सा काम हमारा है, हैदराबाद से पहले की तैयारी है, तो हैदराबाद वाले भाइयों आप लोग तैयार रखेंगे, सारी तैयारियां आप लोग भाइयों ये चेक कर लें सब कुछ खुल चुका है। अच्छा ये चीज़ गाड़ी की अच्छी है, छोटी गाड़ी है, काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। अब ये देखें ये वाली साइड अभी रहती है, और ये वाली साइड भाई ने पूरी जो है ना वो खोल भी ली है, और ये चेक करें सारी चीज़ें यहाँ से डन है, बस इसी का वेट हो रहा है यहाँ से तो जो है वो चीज़ें सारी कम्प्लीट हो। बाकी एक गाड़ी और हम जो है वो बना रहे हैं उसके, यानी कि आने वाले दिनों में आप लोग को पार्ट नज़र आएंगे, तो बस उसके रिव्यू के लिए अभी हम जा रहे हैं, जब तक ये भी अपनी चीज़ें फिटिंग विटिंग कर लेंगे चीज़ों को सेट करके, तो अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। चेक करें आप लोग किस तरीके से जो है वो कमानियाँ सीधी होती हैं, आपने शायद ना देखा हो जिन भाइयों ने, ये देखें हमारे भाई हैं ये अब कमानियों को थोड़ा सीधा कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो सीधी हो जाएगी, ये देखें इस तरीके से इसको नाप लें, ये चेक करें ये इसका नाप लेने का तरीका है, स्केल से इन्होंने लिया है नाप इसका। चल
तो ये इसको खैर अभी थोड़ा बहुत और जो है वो खोलेंगे, जो भी है सारा काम करेंगे और फिर हम देखेंगे भाई क्या फर्क पड़ा। वैसे उम्मीद है कि फर्क पड़ेगा तो जो है वो और एक अच्छा फील आएगा हमें, क्योंकि हैदराबाद का लंबा एक सफ़र है और FX पे हैदराबाद जाएंगे तो क्या बात है, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। तो बस अभी इसका इंतज़ार हो रहा है, फिर इसके बाद हमें आगे निकलना है मजीद अपनी। तो चलिए जी, फाइनली दोस्तों हमारी FX की जो जंप्स का मसला था, कमानी का मसला था, वो भी जो है वो हल हो चुका है। गाड़ी थोड़ी ड्रॉप हो चुकी है, थोड़ी नरम हो चुकी है और भाई ने जो है ये हमारा सारा काम किया है। भाई अब तो नरम हो जाएगी ना, दो बंदे भी बैठ के चलाएंगे तो, यानी कि हैदराबाद में मीटअप हो जाएगा हमारा। चलें भाई, जज़ाकअल्लाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बस अब जो है वो यहाँ से निकलते हैं और बस यही आज का जो है वो लास्ट काम था, बस अब घर पहुँचते हैं। तो आप लोगों से भी भाई थोड़ा सा मशवरा करना है, तो वो घर पहुँच के हम करते हैं कि भाई कहाँ मीटअप रखें, डिसाइड करना है, वो आप लोगों से घर पहुँच के बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो भाई देखें, जितने भी काम थे आप लोगों को एक जो स्टारलेट का हम लोगों ने बताना था कि भाई कहाँ तक पहुँची है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देखी। बाकी जो है वो FX के कुछ काम रहते थे, वो काम भी जो है वो फाइनलाइज़ कर लिए हैं। इसके अलावा देखें, अब हम आ रहे हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में आप जो है वो हमें बताएं कि भाई हम किस जगह आएँ, कोई ऐसी फेमस जगह बताएं जहां मीटअप कर सकें, और कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ऐसी जगह हमें बता सकते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं जो है वो आप पहले मुझे एक मेल, कोई भी हमारे भाई जो है वो एक मेल मुझे कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो रिप्लाई दूंगा। बाकी इसके शॉकर वगैरह हम लोगों ने जो है वो चेक करवाए थे, आप लोगों ने देखा कि भाई इसके जो शॉकर्स थे वो बिल्कुल ठीक थे। कमानियाँ जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई थी, उन्होंने ये बोला था कि भाई अभी कमानियाँ इसकी हार्ड होंगी, थोड़ा सा ड्रिविन करेंगे, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है वो 2-3% इससे ज़्यादा जो है वो बैठती नहीं है गाड़ी के अंदर, तो वो काफ़ी हार्ड हो रही थी। तो हमने खैर उसकी कमानियाँ वगैरह जो है वो सीधी करवा ली हैं, परफेक्ट करा ली हैं। इसके एक दो काम और हैं, वो हम लोग जो है वो करवा रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं हैदराबाद। तो जो भाई हमारे मिलना चाह रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर, जल्दी से भाई नीचे जाके कमेंट करें, हमें बताएं कि हम जो है वो कौन सी जगह पे जो है वो मीटअप रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।